वो बीवर्स ये हैं फैयाद भाई, इनसे आपका परिचय कराते हैं। ये तो आपने देखा ही होगा कि हर मेले में ये मिलते हैं आपको। फैयाद भाई, क्या हाल है? दुआ है भाई साहब, अल्लाह करे हम करे। और मेला इस बार कैसा रहेगा मेला इस बार खूब अच्छा रहेगा ये बताइए फैयाद भाई, क्या जी। कब से स्टार्टिंग है मेला? मेला ये 22 तारीख को मेला फुल हो जाएगा। अच्छा, तो अभी कितने जानवर आ गए होंगे मेले में? अभी कम से कम 50-40 जानवर हैं। 50-40 जानवर आ गए, तो कब तक भर जाएगा ये पूरा? ये मेला 22-23 में फुल हो जाएगा कैसे? 22-23 में? जी तो कितने दिन चलता है फैयाद भाई ये ये मेला? चलेगा 15 दिन। अच्छा, तो जैसे बाहर के व्यापारी आते हैं? बाहर के हर जगह के व्यापारी आएंगे अच्छा, तो उनके लिए खान पीन का क्या व्यवस्था सब, है? होटल वगैरह व्यवस्था सब है। नहीं, हर चारा मिलेगा, चोकर मिलेगा, भूस मिलेगा, अच्छा, पानी डबल डबल यहाँ टुल्लू पंप लगा रखे हैं। अच्छा, हाँ, पानी की व्यवस्था कोई अच्छी चीज़ है। तो देखो ये खड़े हैं भैया, क्या हाल है? ठीक हाल है। क्या नाम है भाई साहब आपका? हमारा पप्पन सिंह नाम। अच्छा, तो जानवर लेके आए हो? नहीं, ले खरीदने लिए है। खरीदने अच्छा, लिए खरीदने लिए हैं। अच्छा, और आपका भाई साहब? ओम भी नाम है हमारा। अच्छा, कहाँ से आए हो आप? हम छोटी पलिया से। जानवर लाए हो क्या? नहीं, खरीदने के लिए आए। खरीदने के लिए आप भी? तो अभी तो फिलहाल कम ही है जानवर हैं हाँ, मेले में तो। जी, और भैया क्या हाल है? जानवर लाए इस बार मेले में? नहीं, जानवर लाए। कितने जानवर लाए हो? 21 जानवर। 21 जानवर? अच्छा, आप भाई? साथ में ही है। अच्छा, आप दोनों साथ में ही हो। तो चलिए दोस्तों, अब आपको इनके जानवरों से मिलाते हैं। ये बताइए ये क्या है? घोड़ा है साहब। ये तो कार्ड मिला रहा है। हाँ जी। इसकी मार्किंग की बात करें तो 45,000 रुपये। 45,000 रुपये जी। मार्किंग मतलब पैर कितने सफ़ेद हैं इसके पीछे के? दो पैर सफ़ेद है। दो पैर सफ़ेद और माथे पर पट्टा। हाँ जी। घोड़ा तो ये खूबसूरत है। उम्र की बात करें तो इसकी? दो दांत है। दो दांत बच्चा जी। और हाइट के बारे में बात करें? हाइट के बारे में 57 इंच। 57 इंच बता रहे हैं। और घोड़ा काफ़ी खूबसूरत है। पैसे कितने बताए भैया? 45। 45,000 रुपये जी। अच्छा, ऐसा मान लो अगर कोई आए तो कम तो हो जाएगा इसमें? कम हाँ, तो वो तो होता है, चलता है। अच्छा अच्छा, वो तो होता है। ये बताइए क्या है? घोड़ी है साहब। घोड़ी, क्या उम्र है ये? उम्र मान लो जवान हो गई। जवान हो गई तो ये कौन सा कलर है? अबलक। अबलक जी, लाल अबलक। लाल अबलक। अच्छा, खुला अबलक है ये? बंद है? नहीं, खुली है। खुली अबलक जी। तो इसकी हाइट क्या होगी? इसकी 58 इंच होगी। 58 इंच हाइट जी। अच्छा, और प्राइस, पैसे कितने मांग रहे हो उसके? 60,000 रुपये। 60,000 रुपये जी। अच्छा, तो चलती है ये? हाँ, चलती है थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत चलती है जी। अच्छा, इसके बारे में बात करें तो ये बताइए क्या है? घोड़ा है। घोड़ा, क्या उम्र है इसकी? ये 4 दांत है। 4 दांत? इतने इतने कम करता है? 4 दांत? अच्छा यार, हमने तो देखा तो हमें तो ऐसा लगा ये बच्चा अभी बच्चा है जी। ये देखिए, यूनिक कलर है इसका, बहुत अलग कलर का है। और इसकी उम्र बता रहे हैं 4 दांत। हाइट तो फिर इसकी कितनी रही होगी? फिर हाइट वही होगी इसकी 45 के आसपास। 40-45 की हाइट बता रहे हैं। ये तो ऐसा मान लो क्या 3-4 महीने का बच्चे कितना लग रहा है। बहुत कम हाइट का है। तो ये क्या है, बग्गी के मतलब का है, चालवा? नहीं, ये तो ऐसे ही अपने घोड़े फोड़े। अच्छा, मान लो कोई फुकी फुकी चलाते हैं। अच्छा 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 जी। इसके बारे में बात करें तो भाई साहब ये क्या है? घोड़ी है ये। घोड़ी, उम्र क्या है इसकी? 4 दांत। 4 दांत तो ये ताकी है क्या? नहीं, जयमंगल है। जयमंगल जी। और हाइट की बात करें तो? हाइट के बाद 56। 56। तो घोड़ी तो आपने देखा व्यूअर्स, बहुत अच्छी है और बनी हुई घोड़ी है। कितने पैसे मांग रहे हो इसके? 62,000 रुपये। 62,000 रुपये इसके प्राइस रखे हैं। तो ये चालबाज है क्या? नहीं, थोड़ी बहुत चलती है। अच्छा, थोड़ी बहुत चलती है। हाँ, है बैठी हुई। ये बताइए ये क्या है? घोड़ा है ये भी। घोड़ा जी। इसकी क्या उम्र है? दो। दो दांत जी। अच्छा, और हाइट की बात करें तो? इसकी मान लो 50 इंच। 50 इंच तो ये बग्गी के मतलब का है, चालवाज? नहीं, ये बुग्गी वालों का है। जैसे बुग्गी वालों का चलाते हैं तो बाल भाभी के, तो आपके पास सब क्लियर? हाँ, क्लियर है, क्लियर। अच्छा, तो ये बताइए आप कहाँ से लाते हैं ये घोड़े? कहाँ से लाते हैं? कच्छ से। कच्छ भुज? हाँ, कच्छ भुज। अच्छा, वहाँ तो बहुत चालवाज घोड़े होते हैं। हाँ, होते हैं साहब। अच्छा, तो आपके पास कोई है इस वक्त चालवाज घोड़ा? इस वक्त नहीं है मेरे पास। अच्छा, मतलब बिना सिके हुए घोड़े आपके पास जो है अभी, चालवाज नहीं है। तो चलिए और अगले। तो व्यूअर्स, आपने देखा जैसे हमने आपको पूरा मेला दिखाया, तो ये बदायूं डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। बदायूं से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर है, कासमपुर नाम है। और अगर कोई दिल्ली की तरफ से आना चाहे तो वो मुरादाबाद होता हुआ, मुरादाबाद से फिर बदायूं होता हुआ आ सकता है। और क्या नाम है, फिर इधर से कोई आना चाहे लखनऊ की साइड से, तो उधर से तो फिर बरेली, उधर होता हुआ बरेली से फिर बदायूं, इधर से होकर आ सकते हैं आप, जैसा आप बेहतर समझें। तो दोस्तों, हमारे वीडियो में बने रहिए, मेले की पूरी पल पल की खबर आपको हर वीडियो में मिलेगी। और मेले की हम
जब भी नए घोड़े आएंगे, जब भी गाड़ी उतरेगी, आपको हर वीडियो बनाकर डालेंगे। आपसे बस यही है कि हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और अपनी राय भी ज़रूर दीजिए। हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें कि हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है या पसंद ना रही। आशा करते हैं कि हमारी वीडियो आपको पसंद आएगी। शुक्रिया दोस्तों।